ऑब्वियसली, इसलिए मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए बी कॉस थीटा, यही होता है ना। सॉल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान से देखना, हमको दिया है 1 माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखना ठीक है, 1 प्लस ए डॉट बी, अगर आप ध्यान से समझो दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा। इसको हम ले सकते हैं 1 माइनस ए बी कॉस थीटा, है ना, और इसको लिखेंगे 1 प्लस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, समझ आ गया इतना। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए और बी है ये कौन से हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, और जो भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका मॉड कितना होता है? 1 होता है, यानी ए और बी की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, 1, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखो फॉर्मूला होता है एक कॉस 2 थीटा। देखो ये फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूले याद ही करने होते हैं, तो उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। फिजिक्स के फॉर्मूले में ना हम आपको डेरिवेशन सिखा देंगे, उससे याद हो जाएगा, बट अगर हम मैथमेटिक्स के फॉर्मूले का भी डेरिवेशन करने लगे तो फिर हमको एक साल और लगेगा सिलेबस कवर करने में, फिर तो आपको डायरेक्टली याद ही करने पड़ेंगे ना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं पता है, ठीक है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है 1, क्या तीन फॉर्मूले हैं एक्चुअली, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इक्वल्स होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से जो लास्ट के दो फॉर्मूले हैं ये ज्यादा यूज होते हैं, ये दो ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये तीनों फॉर्मूले कॉस 2 थीटा के हैं, हम कॉस 2 थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं इस टाइप से। अभी इसमें देखो हमारे साथ में यहाँ समझो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में दिया है थीटा बाई 2, क्या दिया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 2 थीटा को थीटा में चेंज किया गया होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखो ये 2 थीटा है, यहाँ से यहाँ पर हो गया थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है ना, यानी एंगल हाफ हो जा रहा है, हो जा रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर मैं थीटा को चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा थीटा बाई 2, थीटा का हाफ थीटा बाई 2 होगा ना, ऑब्वियसली क्लियर है। दूसरी चीज यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब मुझे इन दोनों में से वो फॉर्मूला यूज करना है जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, समझ रहे हो। क्यों कैंसिल करना है ये भी आपको भी समझ में आ जाएगा, बट अभी आपको इन दोनों में से एक फॉर्मूला पिक करना है, या तो ये पिक करो या फिर ये पिक करो जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। लेट्स सपोज मैं आपको जस्ट लिख के दिखा रहा हूँ, नोट डाउन मत करना इसको, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर लिखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, अपॉन में ऐसे रहने दो जो भी है, कोई नोट मत करना। इसको देखो अगर मैं इसकी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 का हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि ये माइनस 1 यहाँ है
माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो प्लस का वन बन जाएगा। क्या इस वन से ये वन कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कैसे? हाँ दोनों प्लस के बना कैंसिल नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा? दूसरा वाला। नहीं नहीं टाइम टाइम नहीं लगता, बस आपको ओरल थिंक अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा करना चाहिए हमको। अभी देखो यहाँ पे वन माइनस, मैं आपको कम से कम रीजन बता रहा हूँ कौन सा वाला यूज करना है। जब क्वेश्चन पेपर बोर्ड पे हम कराते हैं ना तब इतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होता कि हम कौन सा यूज करें, कि टीचर्स के साथ प्रॉब्लम होती है टाइम की, वो टाइम में इतना बाउंड होते हैं ना कि वो नहीं बता सकते आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। बस बोल देते हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए आपने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, सही है? समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा। नहीं नहीं देखो अभी समझो, मैं यहां बस समझा रहा था आपको कि जो टू थीटा है ना, मैं रेजर यूज करता हूँ, जो थीटा में टू थीटा है ना, ये टू थीटा का मतलब हाफ आ गया, एंगल यहाँ पे हाफ हो जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है बता। ये जो कॉस टू थीटा है ना, इस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये टू कहीं नहीं जा रहा है, बस ये फॉर्मूला है ऐसा। अगर आप चाहो तो मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ बट उसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली ही याद करना पड़ेगा ना, कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है? आप पूछने क्या चाह रहे हो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। नहीं मैंने टू को कहीं शिफ्ट नहीं किया, ये बस ये देखो ये कॉस टू थीटा है ना यहाँ पे आपका, मैं आपको बस समझा रहा था कॉस टू थीटा है इसका, यहाँ पे थीटा हो गया फॉर्मूले में, अगर इस टू थीटा की जगह पे थीटा होता लिखा है cos थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई टू, नहीं नहीं cos स्क्वायर थीटा बाई टू नहीं, पूरा फॉर्मूला लिखा जाएगा ना फिर। हाँ ऐसे ही लिखा जाएगा ये, बट हमने फॉर्मूला तीसरा वाला यूज किया। और सिंपलिसिटी के लिए मैं देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अभी देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट सपोज कॉस थीटा की जगह पे कॉस टू और ब्रैकेट में आपका थीटा बाई टू, अभी देखो
देखो मैं अलग लिख के दिखा देता हूँ। लेट सपोज आपके पास कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, मैं इसको ले सकता हूँ कॉस टू और थीटा बाई टू, ऐसे ले सकता हूँ ना, फिर टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वापस थीटा आ जाएगा कहीं आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये जो कॉस्ट, हाँ बोलो, हाँ तो हम नहीं बता रहा हूँ कि इसको वापस कैसे आएगा ना, कॉस्ट टू थीटा बाई टू हो गया। अभी देखो ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल इसी फॉर्म का बन चुका है, बन गया कॉस टू और थीटा की जगह पर थीटा बाई टू चल रहा है। तो अभी मैं इसको फॉर्मूले में लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा मेरा वन माइ हाँ टू पास, लेट सपोज कॉस 90 लिखा हुआ है, ऐसे समझ में आएगा कॉस 90 लिखा है, क्या मैं इसको कॉस 2 इंटू 180 अपॉन 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, ये ये पूरा एक ही एंगल है ना, नाइनटी आ जाएगा वापस से। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा को लिख दूं कॉस टू इंटू थीटा बाई टू, कोई दिक्कत इसमें, सेम लिखा है ना, बस यहाँ 90 एंगल लिखा हुआ था, यहाँ थीटा लिख दिया मैंने, आप सही है, आप समझ में आया, कॉस टू अलग नहीं, ये पूरा एक एंगल है, ये जो है ना ये पूरा का पूरा एक एंगल है, ठीक है, क्लियर है। अभी ये जो बन गया ना हमारा फॉर्मूला, ये बन चुका है कॉस टू थीटा के फॉर्म का, ठीक। जैसे मैं यहां पर अगर लिख दूं नहीं बेटा, ये फॉर्मूला नहीं है, देखो ये डायरेक्ट यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड ही तो किया, थोड़ी ना कुछ किया इस थीटा में, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, और कुछ ना किया इसमें, अधिक फॉर्मूला थोड़ी ना, यहाँ से टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, ये तो लिखा है यहाँ पर भाई, किसी आप नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसमें। जैसे आपका यहाँ पे कॉस थीटा था, हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत हुई इसमें, जो पहले था भैया भाई, ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू, ये जो आपका कॉस थीटा था इसको मैंने थीटा रहने दिया और इसमें टू से मल्टीप्लाई किया, कैसे भी समझ लो टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया, अब ठीक है। हाँ इसको भी यहाँ टू से आप मल्टीप्लाई करोगे टू से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या करना है, ये जो थीटा बाई टू है ना आपका बचा हुआ, इसको आप एज अल्फा मान लो, तो ये आपका बन जाएगा कॉस टू अल्फा, और डिटेल में समझा देते हैं। ये बन जाए हाँ ओनली थीटा बाई टू को, तो वन माइनस कॉस टू अल्फा, आप सही है, और नीचे हो जाएगा वन प्लस कॉस टू अल्फा, समझ गए,
यहाँ से यहाँ समझ में आया क्या किया हमने? ठीक है, आ गया। अभी कॉस टू अल्फा को ब्रेक करना है इसमें से किसी इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करते हुए। कौन सा फॉर्मूला यूज करें बताया था आपको, समझाया था हमने, कौन सा, फर्स्ट वाला है सॉरी सेकंड वाला या थर्ड वाला? हाँ तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा, तो वन माइनस कॉस की जगह लगाएंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर, यहाँ पे टू थीटा से थीटा हो गया था है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा टू अल्फा से अल्फा हो जाएगा, सही है। नहीं, देखो ध्यान से देखो, टू थीटा से थीटा हुआ है ना, हाफ हो गया ना एंगल, तो यहाँ भी टू अल्फा से अल्फा होगा ना, देखो ना यहाँ से टू अल्फा से अल्फा ही तो होगा। ठीक है, अपॉन वन प्लस यहाँ पे क्या आएगा कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला, जिससे माइनस कैंसिल हो जाए, तो ये बन जाएगा आपका टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, सही है, ये वाला फॉर्मूला है ना। अभी तो बताया था, देखो इधर वाला वन है, इसको कैंसिल करना है ना मुझे, ये जब तक कैंसिल नहीं होगा तब मैं टेन की फॉर्म में कैसे जाऊंगा, इस पर को कैंसिल करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर अगर मैं ये नहीं यूज करूंगा ये करूंगा तो वन कैंसिल नहीं हो पाएगा ना, वन प्लस वन टू हो जाएगा, फिर हमें वन कैंसिल करना है तो हमें ये माइनस वन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर माइनस का ऑलरेडी है कॉस, तो फिर लगाना पड़ेगा। सिंपल में समझ लो, अगर कॉस माइनस का लिखा हुआ है ठीक है, तो आप माइनस साइन वाला फॉर्मूला यूज कर लो ये वाला, और अगर कॉस प्लस का लिखा हुआ है, वन प्लस लिखा हुआ है ना, तो आप ये वाला यूज कर लो। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन में ना, ध्यान से बैठ के आराम से करना, इस क्वेश्चन बहुत टाइम लगा दिया आपने, इतने टाइम क्वेश्चन था नहीं है। ठीक है, ये तो वन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा टू साइन स्क्वायर अल्फा, अपॉन में क्या बचेगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा, सही है। समझ आया नहीं आया, लिखूं फिर से, ये माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, अभी टू से टू कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर, हाँ तो ये बन गया आपका टेन स्क्वायर अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी हमने, टेन स्क्वायर थीटा, समझ गए। यहाँ पे हमने अल्फा जो है ना वो मान लिया है थीटा बाई टू, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप ना मैथमेटिक्स आपकी वीक है, बट हम ना जब जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना इसके फिजिक्स के, वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन और अच्छी होती जाएगी। अभी देखो आपको कितने फार्मूले पता चले, एक तो आपको ये फार्मूला पता चला है ना, दूसरा आपको ये मालूम चला कौन सा वाला कब यूज़ करना है राइट, तीसरा आपको एंगल ब्रेक करना है टू थीटा और थीटा में कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को फिर समझाना है दोबारा से या समझ गया पूरी तरह से? हाँ, उसकी ट्राई तो को गलती करना पड़ेगा ना। एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये पता था कि जो ए बी है, ए डॉट बी है ना, वो ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो आपने क्या किया, वन माइनस ए बी कॉस थीटा कर लिया, वन प्लस ए बी कॉस थीटा कर लिया। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या किया कि जो ए और बी है उनके मॉड आपको मालूम है कितने हैं, उनके मॉड कितना है, वन। तो आपने यहाँ पे ए और बी को खत्म कर दिया, तो आपको फाइनल बन गया वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। अब थीटा को ब्रेक किया है फिर से हमने क्या, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड। ओके, अभी थीटा बाई टू जो है वो हमने अल्फा मान लिया। अभी हम ये सब अल्फा मान रहे हैं, बट जैसे सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप खुद भी इसको अल्फा नहीं कंसिडर करो, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। और जैसे सबकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे दिक्कतें खत्म होती जाएंगी हमारी। तो ये थीटा बाई टू हो गया, तो ये बन गया आपका वन माइनस कॉस टू थीटा और वन प्लस कॉस टू थीटा या टू अल्फा। अभी को फॉर्मूला ब्रेक करना है, ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे ये वन कैंसिल हो जाए। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये माइनस का वन ऑलरेडी है और माइनस का ही कॉस थीटा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए तो इससे कैंसिल हो नहीं पाएगा। इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो ये लगा दिया। अभी यहाँ पे टू थीटा से तो थीटा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे टू अल्फा से कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ओके, अब वन से वन कैंसिल हो जाएगा, बाद में टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू लगा दी, आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, समझ आ गया।